रुक करेंगे लखनऊ की उस खबर का जिसने सबको दहला दिया। कल लखनऊ में जिस तरीके से यहाँ लेवान होटल में आग लगी और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ हंगामा मचा, जांच में जांच हुई और यहाँ पर कई कागजात भी ऐसे बरामद किए गए, लेकिन इस बीच गिरफ्तारी उन तीन लोगों की जो इसके लिए जिम्मेदार है। कुंदर, तो लेवाना होटल के मालिक जो दो मालिक कहे जा रहे हैं और जो एमडी है उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे मामले की जांच हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस किस स्तर पर लापरवाही हुई। इस होटल को कमर्शियल लाइसेंस हासिल नहीं था, जो नक्शा था वो पूरी तरीके से पास नहीं किया गया था ये भी बताया गया और इस पूरे मामले की जाँच चल रही है। इन सब के बीच खबर ये भी आ रही है कि लेवाना होटल को गिरा दिया जाएगा क्योंकि जो मानक है उसको पूरा नहीं किया गया था। तो लेवाना होटल में कल आगजनी हुई थी जिसकी तस्वीरें न्यूज इंडिया ने आपको दिखाई थी। चार लोगों की जान चली गई झुलसने की वजह से, 16 लोग जख्मी हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन लापरवाही सामने आई। बिल्कुल, लेवाना होटल मामले में गिरफ्तारी हुई है मालिक रोहित अग्रवाल की, राहुल अग्रवाल के होटल के जीएम की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। कल देर रात गिरफ्तारी की गई, तीन लोगों को सोमवार को देर रात यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में तीन गिरफ्तारियां हो चुकी है, पूरे मामले की जांच चल रही है और फायर एनओसी भी हासिल तो हो गया था लेकिन मानक पूरे नहीं किए गए थे। पुलिस ने रात भर पुलिस लाइन में जो तीन आरोपी पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेवाना होटल मामले में दो मालिक हैं और एक जीएम है, उनसे पूछताछ पुलिस लाइन में लगातार रात भर होती रही। वही आपको बता दें कि होटल में आग लगने की वजह से चार लोगों की मौत हो गई थी जो सुरक्षा मानक थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से यहाँ पर पालन उनका नहीं किया गया था। दम घुटने की वजह से इन लोगों की मौत हो गई थी और साथ ही 16 लोग जख्मी हुए थे। तो नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी तक की जांच पड़ताल में क्या पता चल पाया? तीन लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, दो मालिक और एक जीएम की गिरफ्तारी हो गई, यहां तक भी जानकारी आई कि फायर एनओसी तो मिला हुआ था लेकिन मानक पूरे नहीं किए गए थे। अभी तक की जांच में क्या पता चला है? जी देखिए, जो लेवाना होटल है ये पूरी तरह से लाक्षा गृह अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। होटल को चारों तरफ से सील किया गया था पहले ही, इसी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और मौत का सबसे बड़ा कारण यही था। अगर लेवाना होटल के हम पहले की बात करें, 2017 से पहले यहाँ पर सरकारी ऑफिस चलता था, BSNL का ऑफिस था, फिर वो हटा, उसके बाद बिना लैंड यूज चेंज कराए गलत इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर अंदर ही अंदर होटल का निर्माण कर दिया गया। बगल में दो बड़े अपार्टमेंट्स हैं, उनके बाहर भी उसका दरवाजा खोला गया, कोई सेटबैक नहीं छोड़ा गया, कोई पार्किंग नहीं थी, यानी कि पिछले 5 से 6 सालों में ये होटल लगातार चलता रहा। LDA के 18-19 अधिकारी इस बीच आए और वो सब आंख मूंदे रहे। आंख मूंदने का कारण सबको पता है, निश्चित तौर पर एक मोटी रकम लेकर अधिकारी और जो वहां पर जेई और तमाम लोग होते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मा होता है वो अपनी आंख बंद किए रहते हैं। अगर किसी आम आदमी के घर में एक बोरी अगर कहा जाए कि ईटा या कुछ भी गिरता है, बालू गिरती है, तो तुरंत LDA के अधिकारी पहुंच जाते हैं। और इतना बड़ा होटल 5 साल से चल रहा था, मात्र 2 घंटे की। जी, मेरा सवाल यही है कि आखिरकार किस चीज का इंतजार होता है? जब हादसे हो जाते हैं तब यहाँ पर आंखें खुलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे कड़ा रुख अख्तियार किया है। कल सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी यही कहा था, लेकिन हमेशा इंतजार ये क्यों कि पहले हादसे हो जाए और उसके बाद फिर दोषियों को पकड़ करके सजा दे देंगे? जी बिल्कुल, देखिए दोषी सिर्फ वो चार लोग नहीं है जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दोषी वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग को बनवाने में जिनकी प्रमुख भूमिका थी, LDA के 17 अफसर जिनके खिलाफ अब LDA जागा है जब मुख्यमंत्री निर्देश दिया। और ना केवल लखनऊ में, सिर्फ लेवाना होटल की बात करें, ऐसे तमाम होटल चल रहे हैं जो मानक की अनदेखी कर सिर्फ पैसे देकर या अधिकारियों को खुश कर वो चल रहे हैं। अगर जांच की जाए तो LDA ने खुद 400 बिल्डिंग आइडेंटिफाई की थी जिन्हें गिराना था, लेकिन अभी तक उन बिल्डिंगों को नहीं गिराया गया, लिहाजा वो फल फूल रहे हैं। और ऐसे तमाम बिल्डिंग्स भी हैं जिन पे बाहर सील कर दिया गया है और अंदर काम किया जा रहा है। इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ लखनऊ विकास प्राधिकरण के वो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो ऐसे बिल्डिंगों को रोकें, लेकिन वो नहीं रोकते। तो ये जो कल लाक्षा गृह में कांड हुआ, इसको लेवाना होटल कहना उचित नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अंदर जाकर देखा कि बाहर से पूरी तरह से जो तस्वीरें नीरज निकल करके सामने आई थी, बिल्कुल नीरज जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आई थी वो काफी दिल दहला देने वाली थी। और ऐसे में SDRF और वहां पे फायर ब्रिगेड की जो टीमें थी उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ी ये सब भी हमने न्यूज इंडिया पर दिखाया था। नीरज बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।